क्योंकि परी को घुमाना है मुझे, क्योंकि मैं तो पहले घूमकर आ चुकी थी, अब परी भी जा रही है मेरे साथ में, तो मिलते हैं आपको DIY में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और हम लोग जा रहे हैं DIY, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज, बेटी मेरी गई नहीं थी DIY पहले, तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ उसको लेकर, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि वहाँ पर क्या क्या है। तो मैं भी एक्साइटेड थी काफ़ी, कि चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो वो भी मेरे साथ गई और हम हस्बैंड वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों जने गए DIY। तो हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स DIY, आप लोग देख सकते हैं ये काशीपुर रामनगर रोड पर है और ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ हम पहले भी आए थे, काफ़ी चीज़ें हमने देखी, बहुत सुंदर लगी हमें। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे साथ साथ जो जो चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ गैलरी में आके, तो आप लोग भी देख सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ से परचेस करनी चाहिए, क्या चीज़ कैसी है, सही है गलत है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो पहले वाले में जो मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था वो कुछ अलग था, और इस बार जब मैं गई हूँ वहाँ पर, तो जो मुझे एक्सपीरियंस मैंने लिया है वहाँ जाकर, तो वो थोड़ा अलग है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। इतने इन्जॉय कीजिए कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो कितनी सुंदर हैं, चीज़ें बहुत प्यारी हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, वो कहते हैं ना कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो ये वक्त आप देख सकते हैं किस तरह का है, कि हाँ जैसे हाथ से रेत फिसलती है वैसे भी वक्त फिसल रहा है। ये भी आइटम काफ़ी अच्छा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखा ये लैम्प, ये इलेक्ट्रिक लैम्प है, बट ये चार्जिंग से भी चल सकता था और सेल से भी चल सकता है वो। ये दोनों ही आइटम इस टाइप के हैं कि आप चार्ज भी कर सकते हैं और सेल से भी चला सकते हैं। काफ़ी सारे टॉयज हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन एक चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखिए कि यहाँ पर DIY में जो मुझे महसूस हुआ, यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हैं। पहले जो रेट थे वो थोड़े अलग थे और इस टाइम पे काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। DIY आप जब भी आएँ तो रेटों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीज़ें खरीदें, जो मुझे भी लगा कि हाँ काफ़ी कॉस्टली हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा उसकी रेट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि चॉइस वाली बात हो जाती है। आप पसंद करें लेकिन रेटों का हमेशा ध्यान रखें। जो मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि वो अपनी आपकी जेब पर अगर भारी हो रहे हैं तो वो चीज़ हमें नहीं खरीदनी चाहिए मेरी नज़र में। यहाँ डेकोरेशन के लिए फ्लावर पॉट बहुत सुंदर सुंदर थी, जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। लेकिन हम ये चीज़ें देखेंगे कि फ्रेंड्स मार्केट में, तो मार्केट में हमें सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई लगा रखे हैं इस। और ये मुझे एक स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया ज्वेलरी बॉक्स, ये ज्वेलरी बॉक्स वाकई बहुत प्यारा लग रहा था। ये 500 की रेंज में था बट अच्छा था, ये मुझे सही लगा कि हाँ कि कम से कम इतने रेंज तक का तो आपको मिलेगा ही, ये सही थे इसके रेट। और टॉयज थे बच्चों के, तो ये भी काफ़ी कॉस्टली थे। हो सकता है कि फ्रेंड्स हाँ कि ये इनके रेट काफ़ी ज़्यादा ना हो कंपनी के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे ये लगे कि एक आम आदमी जो नॉर्मल इंसान ख़रीदना चाहता है अपने बच्चों के लिए, कि कम पैसे के अंदर हम ज़्यादा चीज़ें खरीद के लेकर आएँ और अच्छी चीज़ें खरीद कर लेकर आएँ जो हमारी जेब पर भी ज़्यादा भारी ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो रेट बहुत ज़्यादा लगे यहाँ पर।
ये मग्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे थे, कॉफ़ी मग जो मुझे काफ़ी पसंद आए, और इनके रेट वाइज भी काफ़ी अच्छे थे जो आप खरीद सकते हैं, जो आपको रिजनेबल रेट इनके लगेंगे। कि इसमें कांच में और प्लास्टिक में दोनों में आए ये कप। मुझे लग रहा था कि कांच का चीनी मिट्टी का है, बट ये प्लास्टिक का मग निकला, बट ये अच्छा है। बॉक्सेस की बात करें तो बॉक्सेस भी किचन के लिए यहाँ पे हर टाइप के बॉक्सेस हैं, और थोड़ा यहाँ पर जो ज्वेलरी वगैरह क्लैक करते हैं जैसे, तो ये भी काफ़ी रैक मुझे काफ़ी पसंद आई, तो काफ़ी अच्छी थी। बट रेट के मामले में मैं यही कहूँगी कि बहुत कॉस्टली कर रखा है यहाँ पर, कि आज कॉस्टली है या ऑल टाइम कॉस्टली रहता है ये मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमेशा जब भी आप लेकर आएँ तो चीज़ों को रेट के हिसाब से देखकर तभी लेकर आएँ। मालूम पड़ रहा है कि आपने चीज़ें कलेक्ट तो कर ली हैं, और जब बिल आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि DIY बहुत महंगा है, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होती है। मुझे थोड़ा सा लगा महंगा है, तो बस मैंने मुझे बोल दिया। और बाकी आप लोग भी कभी जाते हैं तो आप लोग यहाँ ट्राई करें। और यहाँ वॉचेस वगैरह वैरायटी के मामले में तो मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत अच्छा है सब कुछ। आपको एक ही छत के नीचे बहुत ईजिली घर की डेकोरेशन के सारे सामान मिल जा रहे हैं, लेकिन रेटों का स्पेशली ध्यान रखें। जो मुझे लगा कि हाँ महंगा है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि महंगा है। बाकी सबकी पसंद अलग अलग होती है, हर किसी के खर्च करने का तरीका अलग होता है, वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये ट्रे बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि ये ट्रे मैं लेकर आई थी ओनली 100 रुपीज़ की मेले से, और यहाँ पर ये 250 की रेंज में थी, तो कॉस्टली तो हुई ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉस्टली है, लेकिन DIY में ये ज़रूर कहूँगी मैं कि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। आप लोग जाएँ और देखें, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी जाकर यहाँ पर। और ये यहाँ पे डोरमेट बहुत प्यारे प्यारे थे, तो मेरी बेटी को भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी। उसका मन था आज घूमने का, तो मैंने तो घूमा, और जो आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और DIY घूमने आपके शहर में DIY है तो आप लोग ज़रूर जाएँ घूमने के लिए। फिर हम उसके बाद DIY से आ जाते हैं अपने घर, और घर आकर, घर आने से पहले फ्रेंड्स हम लोग मॉल भी चले गए थे, वहाँ से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैं वहाँ से चिमटियाँ लेकर आई थी और मग लेकर आई थी, ये मैं विशाल मेगा मॉल से लेकर आई थी, और एक बाउल लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि ये बाउल मुझे बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था कांच का बाउल इस टाइप का, तो मैं लेकर आई। और एक चॉपर बोर्ड मैं लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। तो मैंने जो शॉपिंग की है आज वो ये है, और ये वहाँ पर मुझे विम का बहुत अच्छा मिल जाता है 115 का, और अक्षु के लिए लेकर आई हूँ उसकी फ्रेंची, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विशाल मेगा मॉल में बहुत अच्छी वूलन कलेक्शन बहुत प्यारा आया हुआ था, तो मैं वहाँ से 2 टी शर्ट्स वूलन लेकर आई हूँ, एक नैतिक के लिए और एक अपने लिए। ये मेरी वाली टी शर्ट थी और नैतिक के लिए लेकर आई, और एक अप्रैल मेरा किचन का ख़राब हो गया था, तो वो भी मैं अप्रैल खरीद के लेकर आई हूँ एक, क्योंकि खाना बनाते टाइम भी कभी कभी मेरे को तो ये होता है कि हमेशा किचन में फ़ौरन से लगना पड़ता है, आते के साथ इन लोगों को नाश्ता दो, तो इसलिए नाश्ता खाना कुछ ना कुछ बना के देना ही होता है। तो मैं लेकर आई वहाँ से इसको, जिससे कपड़े गंदे ना हों। और परी के लिए एक बहुत प्यारी सी जींस, उसको पसंद आ गई थी तो वो जींस लेकर आई अपने लिए। और काफ़ी सारे सामान जो मैं लेकर आई हूँ, ये फ़ोन स्टैंड, क्योंकि रिमोट वगैरह, रिमोट एसी का, रिमोट टीवी का, रिमोट, ये सारे रिमोट क्या होते हैं फ्रेंड्स, इधर उधर हो जाते हैं, फिर ढूंढते रहो। अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में तो स्पेशली ब्लैंकेट में इधर उधर से उधर घूम जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई। तो फ्रेंड्स, सारी सारी शॉपिंग मैंने करी थी। और ये साबुन स्टैंड है, साबुनदानी, ये मैंने DIY से परचेज़ करी थी, ये 2 आई हैं, ये थी 100 के अंदर थी, ये काफ़ी अच्छी हैं। और ये एडी स्क्रबर लेकर आई हूँ मैं, इससे बहुत अच्छी एडी स्क्रब होती है। और ये परू के रूम के लिए लेकर आई हूँ मैं स्टार्स, और इसे लाइट से जैसे ये रोशनी होती है तो उसमें चार्ज हो जाते हैं, और फिर जैसे हमने रूम के अंदर लाइट बंद कर दी तो ये शाइन करते हैं, बहुत प्यारे से लगते हैं। तो मैं कि चलो परी के रूम के लिए लेकर चलती हूँ। और ये एक केयरिंग लेकर आई थी मैं दिबू के लिए, और अपने लिए रबर बैंड लेकर आई थी फ्रेंड्स। ये रबर बैंड्स भी मैंने DIY से परचेज करी थी, काफ़ी अच्छी हैं, ये सॉफ्ट बहुत है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है काफ़ी सारी चीज़ें। और ये बाउल तो मैं आपको दिखाई चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और ये क्यूट सी लालटेन तो मैंने आपको दिखाई थी, ये भी इलेक्ट्रिक है, बट ये ओरिजिनल लग रही है देखने में, बहुत प्यारी थी। तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।